सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। सो गाइस, अगर आप GTA San Andreas गेम के लवर है तो आपने कभी ना कभी घोस्ट कार के बारे में तो जरूर सुना होगा एंड इस मिथ से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं। तो गाइस, आज हम इसी मिथ के बारे में बात करेंगे एंड कहा जाता है कि ये जो घोस्ट कार है ये हमें बैक ऑफ बियॉन्ड में मिलती है, जो कि जिसकी लोकेशन मतलब यहाँ की तरफ है। ठीक है, देखिए मैंने मार्क लगा दिया है, तो आज हम लोग यहाँ पर चल के देखते हैं कि एक्चुअली में वो कार आती है या नहीं आती। सो गाइस, चलिए यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ एंड मैं आपको बता दूँ, बस वीडियो स्किप मत करना वरना आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ताकि हम लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँचें एंड उस जगह पे पहुँच के एक्चुअली में देखेंगे आज होता क्या है। तो गाइस, ये जो घोस्ट कार है ना, ये हमें रात के 11 बजे से रात के 2 बजे के बीच में ही देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बात क्लियर कर दूँ, रात के 11 बजे का मतलब ये नहीं कि आप असलियत की जो ज़िंदगी में टाइम चलता है उस टाइम को देखो, ना ना ना, ये जो गेम का टाइम होता है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे 18 बज रहे हैं, अभी 19 बज गए यानी कि 7 बज गए। ठीक है, इसके टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे 23 बज जाएंगे ना, तब हमें वहाँ पे मतलब विजिट करना है, यानी कि 23 से 2 के बीच में हमें वहाँ पे जाना है। ठीक है, सो गाइस, हम लोग डेस्टिनेशन यानी कि अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग घोस्ट कार को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये एक कार दिख तो गई है, मे बी हो सकता है कि यही घोस्ट कार हो। तो एक बार इसके आसपास देख लेते हैं और कोई सी हमें कहीं भी मतलब कार दिख जाए। तो एक सामने की भी तरफ दिख रही है कार, तो उसके पास भी चल के देखते हैं। ये भी मतलब घोस्ट कार जैसी ही लग रही है, देखो दोनों मतलब बिल्कुल सेम मॉडल है, बस कलर चेंज है एंड दोनों ही तो मेरे को घोस्ट कार लग रही हैं। बट अभी 21 ही बज रहे हैं, अभी हमें 23 बजे तक का वेट करना है एंड जैसे 23 बजेंगे हम यहाँ पे दोबारा से आएंगे एंड देखेंगे कि तब क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे गाइस, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो ये जो बैक ऑफ बियॉन्ड वाली जगह है ये थोड़ी अजीब सी मुझे लगती हुई है, थोड़ी मतलब डरावनी सी लगती है एंड यहाँ पे मतलब सुनसान है बिल्कुल, देखो आसपास कोई भी नहीं है। एंड इस कार को एक बार मैं मार के देखता हूँ, क्या पता कुछ रिस्पॉन्स करे। वैसे अब 23 बजने ही वाले हैं क्योंकि 22 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं घड़ी के अंदर। तो यहाँ पे गाइस 23 बज गए हैं एंड अब हम लोग चलते हैं फिर से घोस्ट कार की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार के अंदर मतलब अपने आप मूवमेंट हुआ, ये अपने आप मतलब पीछे से चल कर आई। तो यार कहीं यही घोस्ट कार ना हो, एक बार इसे मैं मार के देखता हूँ, क्या पता मेरे पर अटैक करे। फिलहाल ये कुछ नहीं कर रही, अभी इसमें कोई भी मतलब हलचल देखने को नहीं मिल रही है, बस ये हिलकर आई थी। एक बार वो जो दूसरी वाली कार है ना उसकी तरफ चलते, क्या पता वो घोस्ट कार हो। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस वाली कार के पास और इसे भी मैं मतलब शूट कर रहा हूँ, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। यार ये हो क्या रहा है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, इन दोनों को मार के देखता हूँ, क्या पता कोई ना कोई तो मतलब रिस्पॉन्स करेगा ही, पर डेफिनेटली इनमें से एक ना एक तो घोस्ट कार ज़रूर है। तो फिलहाल तो देखिए यार, मैं इसके अंदर मैं बैठ भी गया, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा और लग रहा है सच में कह रहा हूँ। तो एक बार उतर जाता हूँ, उतरी तो वो इसके अंदर अपना, आप देखिए मैं जैसे उतरती मतलब ये ऑटोमेटिक चलने लगी। यार यही है घोस्ट कार, यही है भाई, अब करना क्या है। कहते हैं कि मतलब 6 बजे तक का हमें से बच के रहना है, अगर हमने 6 बजे तक का, सुबह के 6 बजे तक का, जैसा अगर यहाँ पे अभी घड़ी में 6 बजेंगे ना, अगर हम सरवाइव कर लेंगे तब ये कार हमारा पीछा छोड़ देगी, वरना ये हमें मार के ही दम लेगी। यार क्या करूँ, इसे उड़ाने की सोचता हूँ, इसे उड़ा दूँगा मैं। तो वेल गाइस, ये अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो ये मैं बता दूँ, एक मोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्लियो स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा हूँ एंड आज मैं इस वीडियो में आपके लिए यही क्लियो स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ। और रही बात इस घोस्ट कार की, तो ये सिर्फ एक मिथ ही है एंड मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियली जो मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसके हिसाब से, जो PSP 2 का जो मतलब गेम का वर्जन है ना, उसमें कभी कार मतलब एक बग सा आ जाता है, ग्लिच कह सकते हो, आपकी ग्लिच से आ जाती है जिसमें ये कार ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है। ठीक है, तो ये जो कार है आपको किल करने लगेगी एंड इसे ही घोस्ट कार कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का सिर्फ मिथ ही है एंड मतलब नॉर्मली कोई अगर ये कहे ना कि यार रियल में ऐसा होता है, मतलब ये जो डेवलपर्स हैं गेम के रॉकस्टार वाले, उन्होंने ये चीज़ खुद डाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस PSP 2 के वर्जन में ग्लिच होती है। एंड नॉर्मली अगर आप किसी बंदे को देख रहे हो जो आपको मतलब घोस्ट कार दिखा रहा है, PC की हो या iOS की हो या एंड्रॉइड की हो, तो आप समझ जाओगे वो कहीं ना कहीं मोड यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यही था कि घोस्ट कार को लेके मिथ। एंड आप भी चाहते हो कि आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर यानी कि आपके एंड्रॉइड GTA San Andreas के अंदर आपको भी घोस्ट कार देखने को मिले, तो सिंपली आपको इसके लिए स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आप 23 से 2 बजे के बीच में यहाँ पे विजिट करोगे तो ये घोस्ट कार आपके ऊपर अटैक करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ठीक है, एंड आप इससे मतलब छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप 6 बजे तक का इसको ऐसे झेलते रहो। ठीक है, अभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे 1:51 हो रहे हैं। ठीक है, ये टाइम चलते जा रहा है, तो ये 6 बजे ऑटोमेटिक ये कार शांत हो जाएगी। हाँ, इससे पहले आप इसे मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसे उड़ा सकते हो, वो बात अलग है।
तो गाइस आज आपको इस घोस्ट कार के बारे में पता चल गया होगा एंड जो मैंने बताया बस यही है ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई कुछ और बताता है तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है, मैंने नीचे आपको मीडियाफायर के लिंक दिया, आप इसके लिए स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लो। एंड मैं बता दूँ ये स्क्रिप्ट मैंने डेवलप नहीं करी है, इसके ऑथर का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड सिंपली आप इसको करना क्या है, जैसे ही आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे इसको सिंपली आप एंड्रॉयड डाटा एंड कॉम डॉट रॉक स्टार वाले फोल्डर में जाओ एंड इसको यहीं पर कर दो पेस्ट। एंड इसके बाद सिंपली आप अपने गेम को ओपन करो और मज़े करो। तो गाइस अगर आप क्लाउड मिथ के बारे में जानना चाहते हो तो अभी आपको वीडियो के एंड में वो उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस पर टच करके आप उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।